हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज स्वाति एंड आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। तो यार आजकल ना मुझे ये क्राफ्ट की चीज़ें, DIY चीज़ें बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एंड आई गेस आपको भी ऐसी वीडियोज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सी ट्रेंडी सी इयरिंग कैसे बनाई है, चलो मैं आपको भी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है वैक्स स्ट्रिप, आप चाहो तो फेल्ट शीट भी ले सकते हो, और मैंने ली है ग्रीन कलर की बीड्स, एंड एक नीडल की हेल्प से मैं इस बीड्स को वैक्स स्ट्रिप पे अच्छे से स्टिच कर लूंगी। उसके बाद मैंने ली है ये छोटी वाली रेड कलर की ग्लास बीड, और उसको मैंने ना ग्रीन बीड्स के अराउंड अच्छे से स्टिच कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने ग्लू भी लगाया हुआ है नीचे, ताकि एक तरफ से स्टिचिंग से भी हमारा बीड सिक्योर हो जाए, एंड सेकेंडली ग्लू के हेल्प से वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, ताकि कहीं से भी स्टिचिंग खुलने की कोई भी चांसेस ना रहे। नेक्स्ट मैंने ली है स्मॉल वाली पिंक कलर की ग्लास बीड्स, और उसको मैंने रेड वाले बीड्स के अराउंड अच्छे से स्टिच कर लिया है, और इसमें भी मैंने पहले ग्लू लगाया है ताकि हमारे बीड्स को डबल प्रोटेक्शन मिल जाए। एक बार पिंक वाली बीड्स की स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं फिर से एक बार रेड बीड्स लूंगी और उसको पिंक वाले के अराउंड अच्छे से स्टिच करके सिक्योर कर लूंगी। तो इस इयरिंग में ना टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और मैं सबसे स्मॉल वाला आपको बना के दिखा रही हूँ। सो मिडिल वाला जो पार्ट होगा उसमें रेड वाली की जो राउंड होगी ना वो 3 होगी, एंड जो लार्ज वाला पार्ट होगा उसमें टोटल 4 राउंड होंगे रेड वाली बीट की, और उसी के साथ साथ पिंक वाली भी आपको इंसर्ट करनी है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आगे जब मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड लास्टली मैं यूज कर रही हूँ क्रीम कलर की बीट्स, और उसको मैं रेड वाले के अराउंड अच्छे से स्टिच कर लूंगी, एंड अगेन पहले हम ग्लू लगाएंगे और फिर स्टिचिंग करेंगे। एंड ये देखो, बात करते करते हमारा स्मॉल पार्ट रेडी भी हो गया है, और इसी तरीके से मैं मिडिल पार्ट और लार्ज वाला पार्ट भी रेडी कर लूंगी। अब नेक्स्ट हमें करना है अपने पार्ट्स को कट अच्छे से, हम नीट एंड क्लीन इसको कट करके शीट से अलग कर देंगे, एंड इसी तरीके से हम मिडिल वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। सो अब बारी आती है बड़े वाले पार्ट की। तो बड़े वाले पार्ट को कट करते वक्त नीचे थोड़ी सी शीट छोड़ देना, ताकि हम ये बड़े वाले बीड्स को अटैच कर पाए। तो आप किसी भी कलर की बीड्स ले सकते हो, क्योंकि मेरी जो इयररिंग की मैंने बीड्स यूज करी है वो डार्क पिंक यूज करी है, तो मुझे ये लाइट पिंक कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसके साथ बड़े ही अच्छे से ये जा रहा था, तो मैंने तो ये कलर चूज किया है। बट आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी कलर की बीड्स ले सकते हो। सो नीडल की हेल्प ली है मैंने, और टोटल 6 बीड्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है, और अच्छे से स्टिच कर लिया है, टाइटली पुल किया है थ्रेड को, ताकि ऊपर से हमारा थ्रेड बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, और पीछे से थ्रेड को टाई करके हमारे बीड्स को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 6 बीड्स यूज करी है, बट अगर आप और हैवी इयररिंग बनाना चाहते हो तो आप 8-10 बीड्स भी यूज कर सकते हो। तो एक बार बीड्स अच्छे से अटैच हो जाए तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा शीट को कट कर लेंगे। तो यार मुझे तो ये सब काम करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आता है, आपको कैसा लगता है कॉमेंट करके जरूर बताना। और आप सोच रहे होगे कि मुझे अचानक से ऐसा क्यों इयररिंग वियरिंग बनाने का शौक चढ़ गया, तो मैं काफी दिन से ये सब काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा मन हो रहा था ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करने को। सो या हियर वी आर। सो नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने ग्लू किया है एक पार्ट को, और अच्छे से दूसरे वाले पार्ट को इसे पेस्ट कर दिया है, और बहुत ही अच्छे से आप इसको रख देना सूखने के लिए, तभी ये अच्छे से ड्राई होगा और तीनों पार्ट्स आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट मैंने ली है इयररिंग पोस्ट, और मैंने वैक्स स्ट्रिप की एक्स्ट्रा शीट कट कर ली है, और इयररिंग पोस्ट को उसमें अच्छे से इंसर्ट कर दिया है, एंड शीट पे अच्छे क्वांटिटी में ग्लू लगाकर इयररिंग के बैक साइड पे इसे अच्छे से पेस्ट कर लूंगी। इससे हमारे तीनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे एंड इयररिंग सिक्योर हो जाएगी, एंड ड्राई होने के बाद हमारी इयररिंग कुछ इस टाइप से दिखेगी। बहुत ही ज्यादा सुंदर पार्टी वियर एथनिक इयररिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने वाली है आपको। तो चलो अभी इसको वियर करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा आता है, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये इयररिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।